धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा रहे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। सारी दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना, कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा रहे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए।